बाबूजी धीर चलना, प्यार में जरा संभलना। एक पुष्प अपनी गुणवत्ता अनुसार केवल सुगंध बिखेरता है, वातावरण को महकाता है। वही गटर का पानी पानी होने के बावजूद भी किसी के काम का नहीं। वह दूषित जल सिर्फ और सिर्फ दुर्गंध ही फैलाता है। माँ की बात पल्लू से बांध ली थी मैंने, इसीलिए, बस इसीलिए नहीं बन पाए हम उन जैसे जो दुनिया में अपने फायदे के लिए उस हद तक गिर जाते हैं जिस हद के बाद आंखों में शर्म का पानी भी सूख जाता है। परिक्रमी दानव को अट्टहास करते देखकर डरकर माँ के आंचल में छुप जाती थी। तब माँ ने कहा, दानव ही अट्टहास करता है मेरी लाडो, क्योंकि वो दानव जो है। परंतु माँ, तुमने तो कहा था कि दानव की जान एक चिड़िया में बसी है। यदि उसको चोट लगेगी तो भी वो ऐसे ही जोर से हंसेगा, जोर जोर से अट्टहास करेगा माँ। हाँ लाडो, तब भी हंसेगा, क्योंकि वो मानव नहीं दानव है। याद रखो, दानव छल और प्रपंच जो रचता है, स्वयं के रिश्तों की भी बलि चढ़ा देता है। वो चिड़िया में जान होने का है, और एक दिन उस चिड़िया को भी निगल जाता है। ओह, मैंने घबरा कर तब आंखें बंद कर ली थी जोर से। वो सारी सीख अब जीवन में उपयोगी सिद्ध हो रही है। माँ कहती थी, एक स्त्री के चरित्र का आकलन उसके चरित्र की पवित्रता तय करता है, वैसे ही एक पुरुष का चरित्र उसका दिया हुआ वचन निर्धारित करता है। यदि स्त्री प्रेम में भी मर्यादित है तो वो स्त्री सीता की तरह चरित्र है, और यदि पुरुष वचनबद्ध होकर भी दृष्टता दिखाए तो उसे कलंकित चरित्र हो नहीं सकता। इस संसार में मर्यादा की बात कहने वाले को स्वयं राम होना होगा, यदि सीता जैसा संग चाहिए। माँ जो भी कहती थी वो अपने अनुभवों के आधार पर कहती थी। एक से एक स्टाइलिश कपड़े पहने हम सभी भाई बहनों ने उस दौर में। मैंने तो सदा बॉयज टेप कट रखा, तो आप खुद सोच सकते होंगे कि माँ विचारों से कितनी आधुनिक थी, परंतु साथ में संस्कारों का पूरा ख्याल रखा। हम बहनों को शाम को या रात को या फिर कहीं दूर जाना हो तो भाई या भाभी को कंपेनियन बनाकर साथ भेजती थी। इसलिए नहीं कि उन्हें हम पर विश्वास नहीं था, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की छूट दी, परंतु एक लक्ष्मण रेखा सदैव खींच कर रखी। इसलिए नहीं कि बेटियों की माँ, बल्कि इसलिए कि आधुनिकता और संस्कारों का मिला जुला समन्वय थी माँ, जो सुंदर और प्रशंसनीय तो है ही, साथ ही शालीन भी। मेरे पति सौम्य को मेरी बोल्डनेस के साथ मेरा शर्मीलापन भी बहुत भाता है। वो जानते हैं कि मैं इतनी सक्षम हूँ कि हर कार्य कर सकती हूँ स्वयं ही, परंतु कभी कभी मैं उन पर जानबूझकर निर्भर हो जाती हूँ किसी किसी बात के लिए, और यही सौम्य को बहुत पसंद आता है मुझ में। होलिका दहन में, ठंडी होली में मैं अपनी सखियों के साथ भी पूजन करने जा सकती हूँ, पर मैं सौम्य का संग चाहती हूँ। तब उनको भी ये लगता है कि उनका महत्व मेरी नजरों में सर्वाधिक है। करवा चौथ पर या किसी भी व्रत पूजन के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेना मुझे अच्छा लगता है। मायके में माता पिता और यहाँ सौम्य मेरे अभिभावक हैं। हम स्त्रियां पढ़ लिखकर कितनी भी आधुनिक हो जाएं, पर अपने रिश्ते और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ पाती। ऐसी बातों का खुद में थोड़ा रह जाना अच्छा होता है, अच्छा होता है ना? तभी माँ कहती थी, खुले रहो विचारों से, बंधे रहो संस्कारों से।